हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्पार्कल एजुकेशन में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे आरपीएफ में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के पेपर में, यानी 20 दिसंबर को, वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस है जीएस के और कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के भी है इसमें, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, यानी क्वेश्चन जो है रिपीट होते ही रहते हैं, जैसा कि ग्रुप डी में और एएलपी के एग्ज़ाम में हुए थे। सेम रिपीट जो है आरपीएफ के एग्ज़ाम में भी आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना है, सारे क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लेना। ऐसे ही हम डेली क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, इससे आपको बहुत ज़्यादा आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्प मिलेगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, खुशी ऐप। देखिए, एप्लीकेशन ऐप जो लॉन्च किए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा या फिर अलग अलग स्टेट के द्वारा, तो ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर खुशी ऐप के बारे में पूछा गया है कि किस बैंक के ने शुरू किया है। तो दोस्तों, ये क्या है, पीएनबी बैंक ने, ठीक है। तो खुशी ऐप जो है पीएनबी बैंक ने शुरू किया है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांड एम्बेसडर जो है किसे या कौन है या किसे बनाया गया है। तो किसको बनाया गया है, पीवी सिंधु है स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांड एम्बेसडर। तो ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन जो है पूछे ही जाते हैं, तो यहाँ ये भी आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन है, पल्ली आंदोलन जो है किससे संबंधित है। तो ये है तमिलनाडु से संबंधित, पल्ली आंदोलन का संबंध किससे है, तमिलनाडु से। नेक्स्ट है, एलिफेंटा गुफा किस देवता को समर्पित है। तो दोस्तों, एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो शिव देवता को समर्पित है, और कहां पर है, महाराष्ट्र में। तो जितनी भी गुफाएं, जैसे अजंता की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, ये कहां पर है, महाराष्ट्र में है, और एलिफेंटा की जो गुफाएं वो शिव से रिलेटेड है। चलिए आगे देखते हैं, किस भारतीय राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और जेल भी गए। तो कौन है, बीबी गिरी भारत के ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग भी लिया है और वे जेल भी गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रसिद्ध विरूपक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है, हम्पी में स्थित है विरूपक्ष मंदिर। चलिए आगे और देखते हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासक को, 7 क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासक को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये सारे। टीपू सुल्तान ने जो है मदद मांगी थी, किससे मांगी थी, फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी ब्रिटिश शासक को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2018 का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था यूपी में, और यूपी के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में इसका आयोजन किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, संविधान का 52वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है। तो इसका संबंध है दल बदल कानून से। दल बदल कानून के लिए 52वां संविधान संशोधन किया गया था संविधान में। तो चलिए आगे और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 है, विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है। तो ये जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है विश्व का सबसे विशाल न्यायिक प्राधिकरण है, यानी काफ़ी क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, भारत का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। तो कौन सा जिला, किन्नौर जिले के बारे में पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है किन्नौर जिला भारत का, तो इस जिले के बारे में पूछा गया था। किसका प्रयोग एंटीफ्रिज के रूप में किया जाता है। तो ये मिथाइल एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है एंटीफ्रिज के रूप में, तो ये साइंस से क्वेश्चन पूछे गए थे कुछ। नेक्स्ट है, सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है। तो सुपरसोनिक स्पीड मापने का जो यूनिट है वो है मैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाव का अध्ययन कहलाता है। तो घाव के अध्ययन को बोलते हैं ट्रोमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं, ट्रोमेटोलॉजी, घाव के अध्ययन को बोलते हैं। नेक्स्ट है, मानव रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है। तो लगभग 55% जो है प्लाज्मा पाया जाता है मानव के रक्त में, तो आपको ध्यान रखना है, लगभग 55% जो है प्लाज्मा मानव रक्त में पाया जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको विषम चुनना है क्वेश्चन नंबर 16 में, कि इनमें से विषम शब्द कौन सा है, गिटार, बांसुरी, वीणा या फिर सारंगी।
तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, बांसुरी, क्योंकि बांसुरी जो है यानी मुंह के द्वारा बजाई जाती है, हवा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 है, दूध से कैल्शियम बनता है, तो दूध से कैल्शियम मिलता है, तो दाल से क्या मिलेगा? तो दूध कैल्शियम दाल बराबर क्या, तो दाल से क्या मिलता हमको? प्रोटीन, प्रोटीन, ठीक है, तो दाल से हमें मिलता है प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट है 18वां क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, 3, 7, 17, 41, 85, तो यहाँ पर विषम शब्द हमको बताना है कि इसमें रॉन्ग शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर जो 41 है यहाँ पर, ये रॉन्ग है। देखिए यहाँ पर डबल करके एक जुड़ा है शुरू में, 3 × 6 = 7, फिर 7 × 14, और 14 में 3 जोड़ दिया, फिर उसके बाद 17 × 34, और 34 में 5 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि डबल करके पहले एक जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 5 और फिर 7, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 39। तो 39 यहाँ पर आंसर आ जाएगा 41 के स्थान पर। ओके, आगे है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ आयोजित होंगे? तो राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 है वो कहाँ पर? बर्मिंघम में, बर्मिंघम जो है इंग्लैंड में है, वहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो कैंडेला जो है इसका मात्रक होता है ज्योति तीव्रता का। और ये क्वेश्चन है लास्ट में, म्यांमार के राष्ट्रपति का नाम, तो म्यांमार के राष्ट्रपति का नाम है विन मिंट, विन मिंट जो है वहाँ के राष्ट्रपति का नाम है। नेक्स्ट पूछा गया है पुरस्कार से, नोबेल पुरस्कार से, तो नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन जो है बनते ही हैं, आपको सारे नोबेल प्राइज़ जो है याद कर लेने हैं। तो शांति से पूछा गया था, शांति में नोबेल पुरस्कार जो है किसको दिया गया है? तो डेनिस मुकवेज को दिया गया है शांति का नोबेल प्राइज़ 2018 का, ठीक है, 2018 का पूछा गया था यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी सारे जो क्वेश्चन मिले थे मुझे वो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा आने वाले एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन को नोट कर लेना है और इनको याद करना है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।